नमस्कार, जय माता दी। छोटा सा उपाय जिंदगी बदल जाएगी। यदि दुकान चलते चलते रुक गई है आपकी, यानी नई दुकान आपने नहीं खोली है जिसमें कस्टमर्स कभी आए ही नहीं। कुछ दुकानदार भाइयों की समस्या है कि कभी यह दुकान चली ही नहीं, जमी ही नहीं, कस्टमर्स ने कभी इस दुकान का रास्ता देखा ही नहीं। परंतु कुछ भाई बहनों के प्रश्न है कि हमारी दुकान खूब चलती थी, अब नहीं चल रही। वो कस्टमर्स आखिर कहाँ गए, कैसे भूल गए आपकी दुकान का रास्ता? जिन्हें आपने डिस्काउंट दिया था, जिनके साथ अच्छा व्यवहार किया था, वह यदि आपको बार बार भूल जा रहे हैं, अर्थात चलती हुई दुकान अचानक ठप हो जाए, ऐसा लगे किसी ने कुछ कर दिया है, ये रफ्तार कैसे रुक गई? इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए क्या करें? तब एक अद्भुत, एक अचूक प्रयोग करें। रविवार के दिन कोई भी लाल फूल ले ले, उड़हुल का ले ले, कोई भी लाल फूल ले, और अपनी दुकान के समस्त कोने कोने में, कपड़े हो, काउंटर हो, कैश का जहां पर आप रखते हो, वहां सब जगह टच करवा दे इस लाल फूल को। बहती हुई तेज रफ्तार जल में इस फूल को छोड़ दे, इसे अपने सामने भागता हुआ देखे, तेज रफ्तार वाली जल में, यानी आपको नदी जानी होगी। तालाब में ना चल जाओ, ठहरा हुआ पानी में, फिर दुकान और बैठ जाएगी। नदी जाइए, हर शहर में नदी होती है, बहता हुआ पानी होता है। आप बहते हुए पानी में तेज रफ्तार में इस लाल फूल को डाल दीजिए और 3 रविवार कम से कम कीजिए। दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी भी नहीं, रेल गाड़ी की तरह भागेगी। क्या कहूँ कि कितने कस्टमर्स आएंगे आपकी शॉप में, बहुत सेलिंग होगी, कस्टमर्स संभाल नहीं पाएंगे आप। जरूर करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।